सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा बड़ी शानों वाले। एक सहाबी का हम आज जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला। हमारे सूफिया तसव्वुफ़ में एक जुमला बोलते हैं कि तेरा तो फ़कर फ़कर बूज़र है, यानी जिनको सही दरवेश कहते हैं ना, सही दरवेश। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया करते दो ही तो बंदे हैं जो रब के रस्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। हुजूर कौन से? फरमाया अबू ज़र गिफारी है और दूसरे अली उल मुर्तज़ा है। मौला अली फरमाया करते ये ना मुसलमानों में से चौथे या पांचवें मुसलमान हैं, शुरू से एक सलीमुत्तब आदमी। कुछ लोग तबन बड़े नफीस होते हैं, तबन ही अल्लाह की तरफ से शुरू से ही। इनका जो कबीला था बनू गफार वो राहजनी करता था, लोगों को लूट लेता था। शुरू में ये काम किया लेकिन जब कुछ लोगों की चीखें कानों में गईं तो छोड़ दिया। फरमाया नहीं यार तबीयत नहीं मानती। और नबी पाक का कलमा पढ़ने से पहले ही बुतों की पूजा छोड़ के रब की इबादत शुरू कर दी। लोग पूछा करते थे आप इबादत तो करते थे पर मुंह किधर करते थे? फरमाते थे जिधर वो करा लेता था कर लेते थे। किसी ने इन्हें बताया कि मक्के में एक शख्स हैं जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है, आपकी तरह की बातें करते हैं। इन्होंने अपने भाई को भेजा, उनका नाम अनीस था। पता करके वापस आए, भाई कहने लगे अबू ज़र इनका नाम जुंदब है असल में, ज़र इनके बेटे का नाम है और कुनियत से ज़्यादा मारूफ है, अबू ज़र गिफारी कहलाते हैं। फरमाते हैं कि भाई ने आके बताया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, सिला रहमी का पैगाम देते हैं, लेकिन लोग सारे मुखालिफ हैं। ये चीज़ भी बड़ी काउंट होती है, इसे ना काउंट किया करें। लोगों की तरजीहात बदलती हैं, सुबह कुछ दोपहर कुछ शाम कुछ, इसे ना काउंट करें। उन्होंने इस बात को काउंट करके बताया का लोग उनके जो है ना वो मुखालिफ हैं सारे। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं खुद जाके पता करूंगा। कहते मक्का शरीफ आया तो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठा, मैं तो कुछ और समझा था वो कुछ और निकला। मक्के वालों ने बड़ा मारा, मक्के पहुंच के पहली जो चीज़ मिली वो मार खाने की थी। अब मैं डरते किसी से पूछता ही ना, भूख भी बड़ी थी, रहने को जगह नहीं थी, हरम शरीफ में लेटा रहता था। मेरे नसीब देखो, मुझे एक शख्स ने ना आके हिलाया, कहने लगे अगर मुनासिब समझें तो मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप कोई परदेसी हैं, आपका मैं अपना मेहमान ना बना लूँ। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम है अली इब्ने अबी तालिब। कहते हैं मौला कायनात घर ले गए, खाना भी खिलाया, जगह भी दी, सोने को खिदमत भी की, लेकिन चूंकि मैं तो पहले एक से पूछ के मार खा बैठा था, मैंने पूछा नहीं मैं किधर आया हूँ। रात रहे, अगली रात भी रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं किस काम आया हूँ। हज़रत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खुद ही मौला अली ने पूछा बता सकते हो कैसे आए हो? मैंने कहा रात रख लोगे? फरमाया बड़ा कुशादा सीना दिया रब ने मुझे। तो बात तो कर, कहने लगे यार मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़्यारत करने आया हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बेनियाज लोगों में से हैं हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफारी। मैं हुज़ूर की ज़्यारत के लिए, हज़रत अली कहने लगे सवेरे ले चलूँगा। इंसान बुजदिल नहीं होता, हर इंसान बुजदिल नहीं होता, और बिला वजह टकराव की पॉलिसी बना लेना ये भी सियाने लोगों का काम नहीं। हिकमत के तकाजों के मुताबिक चलना ये भी दलेर लोगों का ही काम होता है। हज़रत मौला अली कहने लगे सुबह लेके चलूंगा पर हालात ठीक नहीं, शरारती लोग हर जगह होते हैं, अगर कोई शरारतियों का टोला मिला ना जो खड़ा होगा जासूसी करने के लिए कि हुजूर की तरफ कौन कौन जा रहा है, तो मैं नीचे झुकूंगा जूते का तस्मा ठीक करने के लिए, लेकिन आपने नहीं खड़े होना, आपने चलते रहना है ताकि किसी को शक ना हो। कहते इस तरतीब से हज़रत अली मुझे लेके गए, मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मौला अली कहते हैं बड़े बड़े लोग सवाल करते थे पर ये शुरू से सलीमुत्तबा थे। मुझे कह लेने देना, इन्होंने मानना होता है वो लंबे सवाल करते ही नहीं, मान जो लिया तो लंबे सवालों की जरूरत ही कोई नहीं। कहते लोग बड़े बड़े सवाल करते थे पर अबू ज़र ने दो तीन बातें ही पूछी और आगे जाके कहने लगे हुजूर हाथ बढ़ाएं मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, फरमाया बाहर जाके ना अभी जिक्र करना कि तुम मुसलमान हो गया, ये मारेंगे। अर्ज की हुजूर इन्हें मारने दे, मैं आया अभी मार खा नहीं हूँ, इन्हें मारने दे ना। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, दाग देलवी ने कहा था पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। मार ही तो खाने आए, मारने दे, करने दे जोर जितना लगाना है लगाने दे,
बाहर जाके ऐलान किया, मक्के वालों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने बताया कि तुमने गुजरना भी है इनके इलाके से, बनू गफार से, फिर इनका पता भी है, ये लोग बड़े सख्त हैं। फिर छोड़ा, तबन बड़े जलाली थे, जाहिद मिजाज थे। फरमाते थे कि जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सारा सदका करो। कंज के मामले में उनका रवैया ये था। सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर को कुछ नहीं कहा इन्होंने, बाकी हजरत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह लेते थे, ये माल क्यों रखा हुआ है खजाने में, बांटते क्यों नहीं सारा। और जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो बाकायदा कई दफा इस मौजू पर गुफ्तगू की। वो कहते थे कि जब अल्लाह कहते हैं कुरान में कि माल दौलत जमा नहीं करनी, तो वो जो लोग थे वो भी बड़ी शानों वाले थे, वो कहते थे कि अल्लाह ने जब जकात फर्ज की तो माल जमा होता है, तो जकात फर्ज होती है ना, जब फितराने का कहा तो माल होता है तो फितराना आता है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर आप आला बात कर रहे हैं तकवे की, सारा बांटो। तो हजरत अबू ज़र गिफारी कहते थे चलो ठीक है तुम्हारी भी बात मान लेता हूं, पर ये बताओ मदीने वाले का अपना तरीका क्या है। कहा भाई हुजूर का तरीका तो वही है जो आप बता रहे हैं। तो फरमाने लगे फिर उस रास्ते ना चलें जो रास्ता मदीने वाले रसूल का है। और हुजूर से, नबी पाक से इश्क करते बड़ा खोल के, ये साहबे सुफा में से थे। कलमे पढ़ने के बाद चूंकि तबीयत जलाली थी तो हुजूर ने भेज दिया, फरमाया वापस जाओ अपने कबीले में तबलीग करो। वापस गए, भाई को मुसलमान किया, वालदा को मुसलमान किया, कबीला सारा मुसलमान किया, वहीं रहे। हिजरत मदीना के बाद आए तबूक के मौका के करीब, पर हुजूर ने असहाबे सुफा में रख लिया। नौकरी करते मदीने वाले रसूल की, दिलेर आदमी थे, बड़ा कबीला था, पर ड्यूटी करते, ड्यूटी खिदमत करते। एक बेटा था जार, उसका नाम था, उसकी ड्यूटी लगाई तुमने मेरे नबी पाक के ऊंट चराने। डाकू आए तो साहिबजादा ऊंटों की ऊंटनियों की हिफाजत करते शहीद हो गया। और ये अनोखा बंदा है जिसने शर्त लगाई थी कि मैंने काली स्याह रंग की औरत से शादी करनी, अनोखा बंदा है। एक बेटी थी, एक बेटा, बेटा शहीद हो गया। बीवी से कहा तुमने नबी पाक के घर में खिदमत करनी है, हुजूर के घर वालों, और मैं नबी पाक की नौकरी करूंगा। हुजूर की खिदमत करते, हर वक्त खिदमत में रहते। और हुजूर जब आते ना, साहबे सुफा में ये शामिल थे जो लोग दीन सीखते, हुजूर जब आते तो सबसे पहले आके हजरत अबू ज़र गिफारी का पूछते, बुलाएं, और जब बात करते हुजूर तो बार बार इनको मुखातब करके बात करते। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक से इतना प्यार, इतना प्यार कि हमारी भी मुश्किल हल कर दी। अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा किसी से प्यार बड़ा ही करे पर उस जैसे अमल ना कर सके, कोशिश करे कर ना। लोग हमें कहते हैं ना जी प्यार बड़ा, प्यार बड़ा, अमल भी तो करो ना, भी करना चाहिए, पर इंसान है ना, गलती भी तो हो ही जाती है। अब हम अमल नहीं कर सकते तो तुम हमें प्यार भी नहीं करने दोगे, मेहरबानी करो प्यार तो करने दो ना। हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर प्यार बड़ा करे पर उन जैसे अमल ना करे तो हुक्म क्या है। तो हुजूर ने फरमाया प्यार सच्चा करे, अल्लाह कयामत के दिन जिससे मोहब्बत करेगा ना उसके साथ ही दोनों को इकट्ठा फरमा देगा। तो हज़रत अबू ज़र ने फौरन कहा, हुजूर फिर मुझे आपसे भी बड़ा प्यार है, रब से भी बड़ा प्यार है। फरमाया फिक्र ना करना, जन्नत में इकट्ठे ही जाएंगे। इतनी मोहब्बत रसूल पाक की जात के साथ हुजूर की नौकरी करना। एक दिन खिदमत करते करते सो गए, हुजूर मस्जिद में आए पता करने कि अबू ज़र आराम कर रहा है। ये भी मजा होता है, ख्याल रखना अपने दरवेशों का, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सोए। हुजूर रात को आए, ये सोए हुए थे। फरमाते हैं हुजूर ने मेरा अंगूठा हिलाया, मैं उठ के बैठ गया, हुजूर भी मेरे पास बैठ गए। और मैं, अबू ज़र बड़ा प्यार करते हो सोने, आपको पता ही है। कहा यार तू बड़ी नौकरी करता है, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुझे मेरी मस्जिद और मेरे शहर से जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे। तो अर्ज़ की हुजूर किसी की ताकत है मुझे आपके शहर से निकाले, मैं तलवार निकाल लूँगा। नबी पाक ने फरमाया तलवार ना निकालना, जहाँ तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर कब तक, फरमाया जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता, यानी विसाल तक। ये वाहद शख्स हैं कि हुजूर के विसाल ज़ाहरी का वक्त आ गया तो फरमाया कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाजिर हूँ। तो हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगा लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफा अर्ज़ करने लगे, हुजूर मुझे सूबे का गवर्नर बना दें। तो नबी पाक ने फरमाया अबू ज़र मैं ओहदे पसंद नहीं करता, तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ ओहदा ना लेना।
तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया अबू ज़र, मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करूँगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूंगा। तुम बंदे अच्छे हो पर यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, फरमाया जिस तरह नबियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत ईसा देखे ना, अम्बिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अजमत नबियों को दी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हज़रत ईसा भी हैं जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते, एक उनके पास कंगी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक है, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पर जुल्म करेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीजों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीजों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है अख्तियार कर लें। यही तो हमारे दीन का हुसन है कि सारे रास्ते वाजे करके हमें दिखाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है, तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है, कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाएगी। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये जोहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का जोहद देखना हो वो मेरे अबू ज़र गिफारी को देखे, इनको देखे। ये दुनिया में जनाब ईसा के जोहद के मुताबिक चलते फिरते हैं। सारी जिंदगी दौलत को माल को पसंद नहीं किया। जहां रहते थे एक गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे, तो एक होता ना बंदा कहता नहीं नहीं जरूरत नहीं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमर से फरमाया था जो खुद बखुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था और थोड़ा नोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से, मैं तो डरता हूं कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्माने गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करें गरीबों पे। उस्माने गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लिंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद, जदों चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी। हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फैलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे, क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी, तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। तो अबू दरदा ने गर्दन झुका ली, फरमाया यार जहां तू है ना तो बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता है। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सियाबा में एक बड़े जलील कदर सियाबी है, और उनकी अजमतें रिफतें बुलंदियां क्या कहना,
बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशअरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू ज़र गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू ज़र तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा, तू तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाई है। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो तब मूसा अशअरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, इन कपड़ों में मैं राग गया था, मेरे आज भी वही है यार, क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे, ना कर, कुछ नहीं बनाया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला ने रोए और जब कहा ना कोई शह नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फकीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो हो कहाँ ले जाना है माल, क्या जरूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं, लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी खत्म हो गई है, गुर्बत मिट गई है सारी, क्यों लोग माल बनाते हैं। एक और आपकी क्लास फेलो थे जो बसरे के गवर्नर बने, अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह ताला, एक साहब से मुलाकात हुई जनाब नाफे ताई उनका नाम था। तो बुजुर्ग फारी से बड़े शौक से मिलने आए हुजूर के सहाबी समझ करके। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो, कहा मैं तो बसरे का रहने वाला हूँ। फरमाया वहाँ मेरे एक क्लास फेलो हैं अब्दुल्ला बिन आमिर, कहा वो तो आजकल गवर्नर हैं। फरमाया मेरा एक पैगाम दे दोगे उसको जाके, कहा हुजूर दे दूंगा। फरमाया उससे जाके कहना तू गवर्नर बन के भी जिंदा ही है और मैं पानी का प्याला पीता हूँ, खजूर खाता हूँ और रब की इबादत करता हूँ, मैं भी तो जिंदा ही हूँ ना, तू भी जिंदा ही है, इससे आगे कुछ नहीं है, और मैं खजूर खाता हूँ, पानी का प्याला पीता हूँ, मैं भी तो जिंदा हूँ ना। अल्लाह अकबर। नाफे ताई कहते हैं इस पैगाम की समझ नहीं आई, लेकिन मैं लेके गया। अब्दुल्ला बिन आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी एक पैगाम देना है, तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। जब मैंने बताया ना कि हज़रत अबू ज़र गिफारी का पैगाम है, तो उन दोनों आंखें खोल दी, कहने लगे जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है। फ़क्र और दरवेशी के रस्ते पे चलने वालों के इमाम सैयदना अबू ज़र गिफारी ने क्या कहा है, तो कहते उन्होंने मुझे पास बिठा लिया, शफकत फरमाई, कहने लगे अब बताओ उन्होंने क्या कहा है। तो अर्ज करने लगे उन्होंने कहा है कि तू गवर्नर है, तू भी जिंदा है और मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, रब को याद करता हूँ, मैं भी तो जिंदा ही हूँ ना। कहने लगे एक दफ़ा फिर कह, कहा उन्होंने कहा था कि मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, इबादत करता हूँ, मैं भी तो जिंदा, कहा एक दफ़ा फिर कह। कहते हैं तीसरी दफ़ा कहा तो वो इतना रोए कि उन्होंने चादर में मुँह छुपा लिया। कहने लगे यार वो ठीक ही कहता है, वो सही कहता है, इतना माल, इतने ओहदे, इतनी चीज़ें, इतना कुछ जमा करके रखा है, इनका हिसाब देना, इन चीज़ों की अल्लाह के हुजूर क्या उज़र पेश करेंगे, किस तरह रब की बारगाह में बताएंगे, क्या वजह थी, किन चक्करों में हमने ज़िंदगी गुजार दी। सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हयात मुबारक सारी की सारी, फरमाते थे कि हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा, वो ख़ास सादगी, वो ख़ास। और पता है मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया,
फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं चार लोगों से प्यार करूं। अल्लाह अकबर, काश है कभी आप इस हदीस के जुमलों को समझें। ओ यार, अल्लाह ने हुक्म दिया है महबूब प्यार करे हुजूर किस से, तो पहले तीन मरतबा नबी पाक ने एक ही शख्स का नाम लिया, फरमाया अली से, अली से, अली से, फिर फरमाया अबू ज़र गफारी से, फिर फरमाया जनाब मिक़दाद से, फिर फरमाया सलमान फारसी से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।